नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम एक ऐसी खास जगह जा रहे हैं जो हर किसी के बचपन के सपनों को हकीकत बनाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिज्नीलैंड की। हम जा रहे हैं डिज्नीलैंड पेरिस। इस जगह पे फेरी टेल्स, एडवेंचरस राइड्स और एंटरटेनमेंट मिलते हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने बचपन के पल याद कर सकते हैं और उन सपनों को फिर से जी सकते हैं। डिज्नीलैंड पेरिस में दो पार्क हैं। सबसे पहला पार्क है डिज्नीलैंड पार्क। ये वही है जहां आपको क्लासिक डिज्नी की कहानियों का जादू मिलेगा, जहां पर आप डिज्नी के फेमस कैरेक्टर्स लाइक मिकी माउस, मिनी माउस, डोनाल्ड डक, गूफी, चिप एंड डेल, ये सब फेमस कैरेक्टर्स से मिल सकते हैं। दूसरा पार्क है वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोस पार्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे डिज्नी की मूवीज़ और टीवी शोज बनते हैं। इस पार्क में आप ट्रांसफॉर्मर्स, रैटाटुई, स्पाइडरमैन, अलादीन, द अरेबियन नाइट्स जैसे फेमस कैरेक्टर्स एंड कुछ मज़ेदार राइड्स का मज़ा ले सकते हैं। दोनों पार्कों में आपको डिलीशियस खाना और शॉपिंग के लिए भी जगह मिलती हैं। सुवीनियर्स लेकर घर लौटने का मौका ना छोड़ें। कुछ ही देर में डिज्नीलैंड की नून परेड स्टार्ट होने वाली है। इस परेड में डिज्नी के क्लासिक कैरेक्टर्स झूमते, नाचते, गाते नजर आने वाले हैं। अब बारी है सुवीनियर्स की। यहाँ पर डिज्नी कैरेक्टर्स रिलेटेड काफ़ी प्यारे प्यारे सुवीनियर्स हैं। की रिंग से लेकर कॉफ़ी मग, मैग्नेट, कैप्स, सभी तरह तरह के सुवीनियर्स अवेलेबल हैं।
यही वो डिज्नीलैंड का फेमस कैसल है जो स्नो वाइट कार्टून में दिखाया जाता है। स्नो वाइट कैसल एक जगह है जहां आप अपने बचपन की कहानियों को दोबारा जीने का मौका पा सकते हैं। यहां आकर आप अपने दिलों में बुनी हुई कहानियों को महसूस कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं स्नो वाइट राइड में। राइड की शुरुआत होती है एक जादुई जंगल के सफ़र से, जहां पर आप स्नो वाइट से मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं आइकॉनिक सीन्स जैसे कि डॉव के साथ घर का सफ़र, स्नो वाइट जो कि एक लाल सेब खाती हैं और उसके साथ का किस ऑफ लाइफ। तो ये थी स्नो वाइट राइड की छोटी सी झलक। ये एक जगह है जहां आप स्नो वाइट की कहानी के जादू को महसूस कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट राइड पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के लिए। बहुत लंबी लाइन थी यहाँ पे और हमें लगभग 40 मिनट लगे हमारी राइड तक पहुँचने के लिए। सुबह वाली परेड से भी बड़ी परेड कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। चलिए देखते हैं इवनिंग परेड। Thank you.
अब हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट राइड स्पाइडरमैन वेब स्लिंगर की ओर। डिज्नीलैंड में सभी राइड्स थीम बेस्ड हैं। राइड शुरू होने से पहले आपको थोड़ी सी एक स्टोरी बताई जाती है, जिस स्टोरी के बेस पे वह राइड होती है। अब बारी है फ्लाइट फोर्स एवेंजर राइड की, जो कि एवेंजर्स थीम पे बेस्ड है एंड जिसका लीड कर रहे हैं आयरन मैन। अब वक्त है डिज्नी पार्क के आखिरी शो का, जिसे डिज्नी डिलाइट या एक्स्ट्रावेगेंजा भी कहते हैं। यह शो अपनी चमक और झिलमिल फायरवर्क से आपको हैरान कर देता है। Disney Delight. And now, Disney Delight. Depuis 30 ans, Disneyland Paris accueille les rêveurs de tous les âges et du monde entier. For 30 years, Disneyland Paris has welcomed dreamers of all ages from all around the world. Il y a tellement de magie et de lumière à l'intérieur de nos rêves. There's something so magical shining from all of our dreams. Alors aujourd'hui, que diriez-vous de rêver plus loin, de sourire plus grand et de rire plus fort? So now, we invite you to dream bigger, smile wider, and laugh louder. Together, let's make the future brighter than ever. Ensemble, rendons l'avenir plus brillant que jamais. La magie ne fait que commencer. The magic, it's just begun.
तो ये था हमारा डिज्नीलैंड का पहला दिन।